Hey guys, welcome to my YouTube channel Free Tiles. आज मैं कल कराँगी टेंसेस दी जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो के टाइप्स और सेंटेंसेस के टाइप्स में डिफाइन कर चुकी हाँ। अज मैं गल कराँगी टेंसेस में कि ये कि सब पार्ट्स होंगे ने जिन्होंने तुम्हें कि सीखना होंगे या जो कि तुम अपनी डेली लाइफ के यूज़ करते हो उन्हां बारे एक्सप्लेन कराँगी। जो पिछली वीडियो मैं सबजैक्ट बारे भी तुम्हें दस चुकी हाँ। ही शी इट वी यू दे और आई दीज आर दी सब्जेक्ट यू कैन यूज इन टेंसेस। ही शी इट दीज आर दी सिंगुलर नाउन एंड वी यू दे और आई दीज आर दी प्लूरल नाउन्स जेडे कि तुसी एक तो ज़्यादा चीज़ा लिए यूज करते हो और आई वर्ड जेड़ा है आई सब्जेक्ट जेड़ा तुसी अपने लिए यूज करते हो। ही शी दीज आर दी सिंगुलर नाउन्स जेडे कि तुसी मेल और फीमेल्स यूज करते हो और इट जेडी हमेशा तुसी चीज़ा या थिंग्स नू डिफाइन करने लिए यूज करते हो। इस तो इलावा मैं तुम्हें दसना चाहवागी कि जेडे टेंसेस ने उन्होंने अगों भी सब पार्ट्स होंगे ने जिन्होंने तुम्हें डिफाइन करना होंगे। इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ टेंसेस जेडे कि तुहानू पता होने चाहिए ने और मैं अपनी वीडियोज़ के विच वन बाय वन सारियां नू एक्सप्लेन करांगी तुसी किस तरह इन्हां नू किहड़े रूल्स के नाल फॉलो करना है और किस तरह किहड़े ग्रामेटिकल एरर्स तुहाडे की राइटिंग टास्क के विच आउंदे ने उन्हां नू किस तरह रिड्यूस करना है। फोर पार्ट्स के जो टेंसेस ने इन्हां नू अगों सब डिवाइड किया जाता है जिस तरह कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इन सारे टेंसेस नू मैं तुहानू वन बाय वन एक्सप्लेन करांगी कि तुहानू कोई भी प्रॉब्लम ना आए जदों भी तुसी अपनी स्पोकन करोगे, जदों भी तुसी अपने राइटिंग टास्क लिखोगे तुहाडे लई बहुत ज़्यादा हैल्पफुल रहेगी। इस दे कारण तुसी अपने ग्रामेटिकल एरर्स नू बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो। टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान तुहानू किस तरह हुंदी आ ते तुसी किस तरह ये वाले रूल्स नू अपने इस टेंसेस दे विच लगाना है। फस्ट ऑफ ऑल मैं तुहानू दसना चाहवांगी कि इन्हां दी पहचान जेड़े सेंटेंसेस के लास्ट से दा है, दी है, दे हन आउंदा है उन्होंने विच तुसी ये पूरे के पूरे रूल्स जेड़े ने वो लगा सकते हो। हुण मैं गल करांगी सब्जेक्ट जेड़े कि मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुकी हाँ, सेंटेंसेस टाइप जेड़े कि तुहानू पिछली वीडियोज़ के मैं क्लीयरली डिफाइन किया है। जिन्हां स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक तुहानू दे देवांगी, तुसी आप उस वीडियो में देख के अपने सेंटेंसेस टाइप में सीख सकते हो, फिर तुहानू ईजीली सारा कुछ जेड़ा मैं लिखा हुआ क्लीयरली जेड़ा तुहानू समझ आ जाएगा। फस्ट ऑफ ऑल मैं गल करांगी अफर्मेटिव सेंटेंस जिहदे विच तुसी किहड़े किहड़े रूल्स जेड़े ने फॉलो करने ने, दीज आर दी सिंगुलर नाउन्स एंड दीज आर दी प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स लई अफर्मेटिव सेंटेंस लई तुसी की यूज करते हो, सब्जेक्ट वर्ब दी फस्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, एस और ई एस तुसी सिंगुलरली यूज करते हो, प्लूरल लई तुसी एस और ई एस नहीं यूज करते। इस चीज़ को ध्यान रखा जाए जदों भी कोई भी टेंस तुसी बना रहे हो, सेंटेंस तुसी लिख रहे हो, अगर ते ओ सिंगुलर नाउन्स दे नाल है फिर तुसी अपने वर्ब दी फॉर्म नाल एस और ई एस लगाउंदे हो, अगर वो प्लूरल है तो तुसी एस और ई एस नहीं लगाना, तुसी अपना जिहड़ा सेंटेंस है उसनूं सिंपली बनाओ के जिहदे विच तुसी सब्जेक्ट वर्ब दी फस्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखोगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जिहड़े ने वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होंदे ने जिहदे विच कोई भी तुहानूं नैगेटिव गल नहीं कीती गई हुंदी, सिंपल ही कोई गल बोली गई हुंदी है, जिस तरह डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है, करण स्कूल जाता है, कोई भी सेंटेंस जिहड़ा कि बिल्कुल सिंपल है उहदे विच तुसी इह वाले रूल्स जिहड़े ने और फॉलो कर सकते। हुण असीं गल करांगे नैगेटिव सेंटेंस की। नैगेटिव सेंटेंस होंगे ने जिहदे विच नो वर्ड यूज होंदा है या फिर नहीं, राहुल स्कूल नहीं जाता है, नहीं वर्ड यूज होया मीनस तुसी अपने सिंगुलर दे ए वाले रूल्स फॉलो करोगे और प्लूरल टेंस दे तुसी ए वाले जिहड़े रूल्स है फॉलो करोगे। ओके, सिंगुलर दे तुसी सब्जेक्ट जदों नॉट की गल आई, नहीं की गल आ रही है तो तुसी डज नॉट लगाओगे, एस और ई एस वर्ब दी फॉर्म नाल नहीं लगाओगे, जो तुसी डज नॉट लगा दिता तो तुसी वर्ब दी फॉर्म जो फर्स्ट है वो एज इट इज ही रखोगे, उहदे विच कोई भी तुसी ई एस नहीं लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे। नैक्सट अगर मैं प्लूरल की गल करा
सिंपल तुसी सब्जेक्ट के नाल डू नॉट लगा के वर्ब की फस्ट फॉर्म लगाओगे और बनाओगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, नैक्सट हम असी गल करिए अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जिदे क्वेश्चन पूछा गया होंगे। जो तुम कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है जिस तरह कि तुसी स्कूल जाते हो, कि करण स्कूल जाता है, जो कोई भी क्वेश्चन कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछा गया हो तो ऑलवेज अपने सिंगुलर नाउंस भी ए वाले रूल्स फॉलो करते हो, जिदे डज हमेशा पहला लिखते हो प्लस डज के नाल फिर सब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगाते हो। ओके, अगर असी प्लूरल की गल करिए, प्लूरल दे विच तुसी डज नहीं लगाओगे क्योंकि ये विच कोई भी एस और ई एस का इस्तेमाल असी नहीं किया होंगा, इस करके हमेशा तुसी डू तो अपना क्वेश्चन जिहड़ा है स्टार्ट करते हो, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल ऑब्जेक्ट लगाते हो। हुण मैं गल करांगी इंटरोगेटिव प्लस नैगेटिव सेंटेंस की, इहदे विच सिंगुलर नाउंस के नाल जो इंटरोगेटिव मीनस क्वेश्चन ही पूछा गया है और नैगेटिव मीनस तुहानू नहीं वर्ड भी है, जिस तरह कि डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जाता है, इस तरह वाले जोड़े क्वेश्चन जोड़े सेंटेंसिस होंगे ने उन्होंने हमेशा तुसी डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाते हो। ये हो गए रूल्स तुहाडे सिंगुलर नाउंस की। ओके, और मैं गल करा प्लूरल नाउंस की, ये हमेशा डू सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल ऑब्जेक्ट लगाओगे और अपना जरा सेंटेंस है उन्होंने कंप्लीट करोगे। ये नहीं सेंटेंसिस टाइप और ये नहीं सिंगुलर और प्लूरल नाउंस के अकॉर्डिंग इन्होंने रूल्स, तुम इन्हों सही तरीके समझ के अपने जोड़े सेंटेंसिस उन्होंने बना सकते हो। जिस तरह कि अगर असी एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो किस तरह इसको सॉल्व करना है। फस्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस है जिदे सब तो पहला समझना है कि है कि टाइप का, इसको समझने लिए असं देखा कि लास्ट की है, लास्ट यह जाता है और साढ़े जोड़े रूल्स ने जाता है जाती सॉरी दी है दे हैं उन्होंने अकॉर्डिंग असं सॉल्व करने हैं। हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग इन्हों रूल्स जोड़े ने असं फॉलो करने हैं। हूँ असं देखा राहुल एक लड़का है और असी इसकी सिंगुलर जोड़े नॉन है उन्होंने यूज करना है और की उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और स्कूल का तो तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट है और जाता इतने वर्ब है, जाता का गो स्कूल इज स्कूल, राहुल का नाम आएगा और असी इन सॉल्व करांगे कि डज जेड़े भी रूल्स हूँ फॉलो होंगे वो क्वेश्चन जरा पूछा इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंगली सॉल्व होंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन पूछा गया। डज राहुल गो टू स्कूल, हम अगर इतने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता मीनस अफरमेटिव सेंटेंस होता तो फिर तुम इस बना सकते राहुल goes to school, क्योंकि जदों भी साडा सिंपल सेंटेंस आता है उदो वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल असी एस और ई एस लगाते हैं। तो ये साडा सी एग्जाम्पल मैं तुहानू लैके दस दिती है कि तुहानू क्लीयर हो जाए किस तरह तुसी अपने जिहड़े सेंटेंस है वह बना सकते हो। सिंपल असी प्लूरल की भी एग्जाम्पल लै लिए, मैं स्कूल जाती हाँ, जानती हाँ तो सानू पता चल गया कि साडा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो इनू असी जिहड़ा है वह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूल्स जिहड़े ने वह फॉलो करांगे और मैं मन तो पता चल गया कि अपनी गल है, अपनी गल जो असी कर रहे हैं तो असं हमेशा प्लूरल जिहड़े आ रूल्स वह फॉलो करते हैं। आई गो टू स्कूल, इस तरह कोई भी एस और ई एस नहीं आता वर्ब की फॉर्म के नाल, पहला असी सब्जेक्ट लिखते हैं फिर असी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं और दैन असी ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये एग्जाम्पल जिहड़ियां कि तुसी इस तरह की बहुत सारिया एग्जाम्पल्स जिहड़ियां ने अपनी जिहड़ी सॉल्व करके देख सकते हो और जिन्नियां तुसी एग्जाम्पल्स सॉल्व करोगे उन्नी ही तुसी इन्हों क्लीयरली जिहड़ा है अपने टेंसेस नू सही तरीके नाल करना सीख जाओगे।
उन्हें थोड़े जो एरर्स ने जो सॉल्व होंगे रहेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जिन्हों के माइंड के ख्याल आता है कि वर्ब्स के फॉर्म्स के नाल असी एस यूज करा और कि असी ई एस यूज करा, उन्हों का सल्यूशन ये है कि जो सिंगुलर नॉन्स ने जिन्हों के नाल एस और ई एस यूज होंगे उन्होंने हमेशा इस तरीके जड़ा है देख के सॉल्व कर सकते हो। जिन्हों वर्ड्स के लास्ट से एस एच सी एच एस एस ओ और डबल जेड लगा हुए उन्होंने हमेशा ई एस वर्ड यूज करते हो, जिस तरह वॉश वॉश का हमेशा यूज करोगे, वॉशेस कैच कैचेस मिस मिसेस गो गोस बज बजेस। इस अकॉर्डिंग तुसी अपने जिहड़े टेंसेस अपने वर्ड्स जिहड़े आ उन्हां नूं देख सकदे हो, उन्हां नूं सॉल्व कर सकदे हो। होपफुली तुहानूं मेरा अज का वीडियो पसंद आया होएगा और तुसी इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल्स और रेगुलेशन सही तरीके नाल सीख चुके होवोगे। इस तरह दी वधिया वधिया वीडियोस होर पाउण लई तुसी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियो नूं लाइक कर सकते हो। थैंक यू।